तो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे रिंग स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। रिंग स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज, ठीक है। तो रिंग स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज में जैसे आपके पास ग्लूकोज में एक ओपन चेन एक क्लोज चेन, तो ओपन चेन और क्लोज चेन ये देखना है। तो पहले ओपन चेन ये ग्लूकोज की ओपन चेन, इससे ही दो चेन बनेंगी, एक क्लोज ऐसे दो क्लोज इससे क्लोज चेन बनेगी, एक अल्फा फॉर्म बनेगी एक बीटा फॉर्म बनेगी। तो पहले इससे दो रिंग भी बनेंगी, एक पाइरोनोज रिंग बनेगी एक फ्यूरान रिंग बनेगी। तो सबसे पहले जब आपका ये 1 2 3 4 5 6 जब आपका चार नंबर जो कार्बन है इन्वॉल्व होता है रिंग में तो फ्यूरान रिंग बनेगी, और जब पांच नंबर कार्बन इन्वॉल्व होता है तो छह मेंबर रिंग बनेगी। तो यहाँ पर सी सी ओ एच एच और यहाँ पर एच ये फ्यूरान रिंग बनेगी। उसके बाद यहाँ पर आपकी पांच मेंबर रिंग बनेगी, ये पांच मेंबर रिंग बनेगी। यहाँ पर आपका सी एच ओ एच और फिर यहाँ पर भी सी एच ओ एच, मतलब आपकी यहाँ पर पांच मेंबर रिंग है ना, पांच नंबर का कार्बन इन्वॉल्व होगा तो पाइरोनोज रिंग बनेगी, और जब चार नंबर कार्बन इन्वॉल्व होगा तो फ्यूरान रिंग बनेगी। इसमें भी जब क्लोज चेन बनेगी, जैसे ये आ गया मेरे पास, ये आ गया, तो इसमें भी दो फॉर्म एग्जिस्ट करेंगी, एक अल्फा एक बीटा फॉर्म। तो आपको देखना है अल्फा फॉर्म कौन सी होगी और बीटा फॉर्म कौन सी होगी। तो यहाँ पर अगर आप OH और H, OH ये आपके लिए अल्फा फॉर्म होगा, H OH ये आपके लिए बीटा फॉर्म होगा, बीटा फॉर्म होगा पाइरोनोज रिंग का, ग्लूको पाइरोनोज बोला जाएगा। अब आता है एविडेंस इन फेवर ऑफ रिंग स्ट्रक्चर, एविडेंस इन फेवर ऑफ रिंग स्ट्रक्चर। तो एविडेंस क्या क्या आएंगे वो देखना है। एविडेंस इन फेवर ऑफ रिंग स्ट्रक्चर, एविडेंस इन फेवर ऑफ रिंग स्ट्रक्चर। तो द फिनोमेना ऑफ म्यूटा रोटेशन, जो आपका द फिनोमेना ऑफ म्यूटा रोटेशन
फिनोमना ऑफ म्यूटा रोटेशन द फिनोमना ऑफ म्यूटा रोटेशन एग्जिबिटेड बाई ग्लूकोज एनोमर कैन बी एक्सप्लेन्ड इंटरम ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें आपका अल्फा फॉर्म 36% एग्जिस्ट करेगा और जो आपका बीटा फॉर्म है वो 64% एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो और जो ओपन चेन है वो इसमें इक्विलिब्रियम मिक्सर में एग्जिस्ट करेंगी। तो सी ओ एच एच ओ एच इसमें CHO ये आपकी बीटा फॉर्म। ठीक है, तो इसमें उसने बोल दिया एक्वस सॉल्यूशन के अंदर या तो एनोमर जो आपका ग्लूकोज है या तो अल्फा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा या आपका बीटा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो या तो ये अल्फा फॉर्म है, ये 36 डिग्री एग्जिस्ट करेगी, ये बीटा फॉर्म है, ये 64 डिग्री एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो वो अल्फा, ये अल्फा, वो बीटा और इसके बीच में इक्विलिब्रियम का साइन, ये इक्विलिब्रियम का साइन है इसके अंदर। ठीक है, तो अल्फा और बीटा फॉर्म, तो अगला आता है द टिपिकल एल्डिहाइडिक रिएक्शन ऑफ डी ग्लूकोज। सेकेंड नंबर द टिपिकल एल्डिहाइडिक रिएक्शन ऑफ डी ग्लूकोज सच एज साइनोहाइड्रिन ओग्जाइम एंड ओसाजोन फॉर्मेशन
ओजोन फॉर्मेशन, रिडक्शन ऑफ फैलिंग रिएजेंट एंड रिडक्शन ऑफ फैलिंग रिएजेंट। इट इज जो ये रिएक्शन है ये रिएक्शन सभी की सभी एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ कौन सी टर्म में एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ ओपन चेन। ये सारी की सारी रिएक्शन एल्डिहाइड की जो ऑक्साइम साइनहाइड्रिन ओजोन फॉर्मेशन रिडक्शन ऑफ फैलिंग रिएजेंट एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ ओपन चेन फोरम प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम मिक्सर ऑफ द टू एनोमर। ठीक है, तो जितनी की रिएक्शन है जो आपके एल्डिहाइड की ये शो करता है ग्लूकोज, वो स्मॉल अमाउंट ऑफ ओपन चेंज के कारण ही वो रिएक्शन करता है। ठीक है, तो इसमें द फॉर्मेशन ऑफ टू एनोमेरिक मिथाइल ग्लूकोसाइड कैन बी इजीली एक्सप्लेन्ड इन टर्म ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर। दो जैसे मिथाइल ग्लूकोसाइड जो आपका बनाएगा मिथाइल अल्फा ग्लूकोसाइड तो इसमें अगला ये जो रिंग स्ट्रक्चर था किसका ग्लूकोज का, द फॉर्मेशन ऑफ टू एनोमेरिक मिथाइल ग्लूकोसाइड कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर इसकी टर्म में एक्सप्लेन करे है ग्लूकोसाइड लिंकेज ग्लूकोसाइड का मिथाइल ग्लूकोसाइड का। उसके बाद लाइक मिथाइल ग्लूकोसाइड ग्लूकोज पेंटासिस आल्सो एग्जिस्ट इन टू एनोमेरिक फॉर्म एज मतलब ग्लूकोज पेंटा ग्लूको लाइक मिथाइल ग्लूकोसाइड ग्लूकोज पेंटासिट आल्सो एग्जिस्ट इन टू एनोमेरिक फॉर्म एज शोन बिलो। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये ऑक्साइम साइनोहेड्रिन ऑक्सीजन फॉर्मेशन टोलेंस उसके साथ रिएक्शन शो नहीं करेगा, तो ग्लूकोज पेंटासिट डज नॉट रिएक्ट विद किसके साथ NH2OH के साथ, दूसरा हाइड्रोजन साइनाइड के साथ और ओजोन फॉर्मेशन, और तीसरा जो आपका टोलेंस और फेलिंग सॉल्यूशन उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अगला इसमें टॉपिक आएगा रिंग स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज की रिंग स्ट्रक्चर ग्लूकोज 6 मेंबर रिंग होगी या 5 मेंबर रिंग होगी तो उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो इसमें इतना ही।